दोस्तों, फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग पेंटिंग ओवर हियर। इट्स भुवनेश्वर कीट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड सराउंडिंग कंट्रीज। वी आर हियर फॉर कवरिंग द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, बट होनी इंटर इन दिस डाइनिंग एंड कैंपस शो मेनी ग्रेट पेंटिंग ओवर हियर। We don't know the name of the artist. Right now, I find these guys. They are from art college. ये art college से हैं और अपना painting वो खुद अपना जो ये university का दीवार है, एक एक culture जो है उड़ीसा छोड़ के दूसरा states का नागालैंड हो गया, ये सभी ये और इसका friend ये art और painting के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये कला देखने को हम लोगों को मिला है और बात करेंगे। आपका नाम बताओ। ऋतिक, इसका नाम है ऋतिक, इधर सामने से बात करो। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे ये आर्ट और पेंटिंग को लेके आपका जो भावना है ये आ गया? ये बोलने के लिए चाहता है कि ये आर्ट कॉलेज का अभी फोर्थ ईयर कंप्लीट होने जा रहा है और इनका भी सपना है आर्ट और पेंटिंग लेके आगे बढ़ना। और इनका और भी फ्रेंड्स है। और कितने साल से, मतलब ये जब छोटा था आप तब से ही क्या पेंटिंग के बारे में आपको रुचि था? हाँ, इंटरेस्ट था और 4 साल से सीख रही ना कॉलेज में। कॉलेज में सीखना और खुद का अंदर का जो क्रिएटिविटी है ये कुछ दूसरा है। बहुत सारा आर्टिस्ट ऐसा भी है इंटरनेशनल लेवल पे जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो भी कला का महारथी है। हम लोग नमन करते हैं और इसका कदर करते हैं कि ये कलकत्ता से जब हम लोग आया था, ये स्पोर्ट्स का बारे में कंटेंट करने के लिए आया था, लेकिन जो भी खिलाड़ी जिस स्टेट से आए हैं शायद वो लोग भी देखे होंगे कि ये डाइनिंग पे एक किंग्स जो है 15, ये डाइनिंग पे और बाकी दूसरे जगह में इतना सुंदर से ये पेंटिंग, ये आप जब आएंगे आप लोग भी खुशी होंगे और ये धन्यवाद कहेंगे कि ऐसा पेंटर जो है और इसका फ्रेंड काफ़ी कोशिश कर रहा है इसको आगे लेके जाने के लिए। ये कीट यूनिवर्सिटी का डाइनिंग प्लेस है, यहाँ पर स्टूडेंट खाने के लिए आता है। हम लोग भी जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कवर करने के लिए आया था, डाइनिंग में हम लोग खाना खाया और देखते देखते पागल हो गया, आश्चर्य हो गया कि दीवार पर एक एक पेंटिंग है। तो सोचा था कि कौन ये क्रिएटर है, ये कैसे चलता है। तो फिर अभी जो बताया एक साथी को लेके, और उनका ये फ्रेंड है। फ्रेंड आपका नाम बताओ। प्रताप। ये है प्रताप और आप भी आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट हो। अच्छा, कितने साल से ये दर्शक के लिए बताओ? हम 4 साल से पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरा जो इच्छा था बचपन से था, बचपन से ऐसा तो करते हैं। बाकी अभी जो काम है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बस पीजी के लिए तैयारी चल रहा है और ये पार्ट टाइम जॉब जैसा हम काम करते हैं, हम इसके बेसिस से पढ़ाई करते हैं। दे आर नॉट ओनली ए पेंटर, दे आर द क्रिएटर, बिकॉज क्रिएशन कम्स फ्रॉम द हार्ट। Creation comes from the heart, and we are really honored to see and observe all the creation over here. उन्होंने बताया कि ये जो नागालैंड है, ये नागालैंड का हम कैमरामैन को बोलेंगे कि और भी सामने आके ये इसको दिखाने के लिए। नागालैंड का एक एक जो कल्चर है, जो जीवन है, इसको इसके ऊपर आधार करके ये और इनका जो फ्रेंड है इन्होंने ये बनाया है। और बातों बात में ये भी कहा कि सर, इस किट यूनिवर्सिटी का और भी जो कैंपस है, एक एक कैंपस में एक एक स्टेट का जो कल्चर है वो ये लोग पेंट का थ्रू दिखाने का कोशिश करेंगे।
अगर आपको देखना हो तो जरूर आना होगा इधर। ये नागालैंड का है, इसके साथ काफ़ी एफर्ट डाला गया है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई पेंटिंग ऐसे ही बन जाता है, इसमें बहुत दिमाग लगता है, बहुत पेशेंस जिसको हम लोग धैर्य कहते हैं ये लगता है। ये हमारे उड़ीसा का जो ये युवा स्टूडेंट है ये अपना हाथों से बनाया है। ये कोई मेकेनिज्म नहीं है, ये कोई दीवार पे स्टिकर नहीं है कि ये लगाया गया है, ये अपना हाथों से जो पेंटिंग है ये बच्चा लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वी आर नॉट फ्रॉम द कल्चरल बैकग्राउंड टू कवर हियर, वी आर जस्ट प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स। और ये 70 जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप इधर चल रहा था उसको कवर करने के लिए इधर आया था। और खाने के लिए जब भी इधर मैं पर्सनली आया तो देखा कि ये इतना सुंदर सा पेंटिंग है, ये इसका पीछे का राज क्या है और किसने ये बनाता है। तो घूमते फिरते ये जो दोनों स्टूडेंट के साथ बात किया था और मिल गया और खुशी हुआ कि इनसे बात करने के लिए। चलिए आगे भी देखते हैं और भी जो दीवार पर अच्छा सा जो पेंटिंग है इसको भी देखेंगे। आइए एक चीज देखिए, दीज आर नॉट द बम्बूस, ये दीवार पे जो पाइपलाइन पानी का, ये पाइप को ये बम्बू जिसको हम लोग बांस कहते हैं बंगाली में, ये इसका रूप आ गया। कैसा कला है, रियली वंडरफुल जॉब, दिस इज सो नाइस सो ब्यूटी। देखिए इसमें नागालैंड का जो वर्णन जीवन है बहुत पहले का ह्यूमन बींग का जो फास्ट डे जैसा कुछ है ये आधारित है। ये देखिए यहाँ पर जो अपना जो पेंट्स है काफी पेंट्स और ये पेंट किया हुआ है, कितना परिश्रम है, कितना स्ट्रगल है और ये एक एक कलर से ये जो मैच करता है। अभी इधर दिखाने के लिए बोलेंगे, देखो ये एक मतलब जो विंडो है लेकिन इसको रूप दिया गया है कि एक पटेज जैसा है, ये पटेज जैसा एक रूप बन गया। हम दिखा सकते हैं कि दिस इज नॉट द रियल पटेज बट दिस इज ए विंडो। व्हाट ए क्रिएशन, ये जो बाहर से पाइप लाइन है अगर इसको नहीं बनाया जाता तो देखने में भी खराब लगता कि हाँ ये सुंदर सा लाइन में ये पाइप जो लाइन है ये दिखा जा रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसे बंद रहेगा और बाहर का कोई भी विजिटर्स आएंगे तो देखेंगे कि ये इतना कला कैसा है। और इसका जो अच्युत सामंतो, प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंतो जो फाउंडर है उनका भी दिमाग जो है क्रिएशन के साथ जुड़ा है, नहीं तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है। और कॉलेज के साथ सिर्फ एजुकेशन नहीं है, स्पोर्ट्स से लेके क्रिएटिविटी का एक एक चीज उन्होंने उठाया है। आगे भी और भी देखेंगे, देखिए इसमें कितना अच्छा से पेंट किया है। ये भी एक नागालैंड का जो हेरिटेज है वो है और इसमें काफ़ी सारा जो पेंट वो इधर उधर है। यहाँ पर हम लोग और बाहर का कोई भी आता है, गेस्ट आता है तो यहाँ से खाना सर्व किया जाता है। तो जब खाना लेते कोई लेंगे तो ये देखिए भोजन यहाँ का भी है, एक एक मेनू लगे रहे कि दीज आर द ओरिजिनल्स। सो थैंक्स, जो ये स्टूडेंट है ये और भी आगे जाएंगे और आज के लिए इतना ही। स्टे विद समय विद एवरीवन, हैप्पी।